निंजा असैसिन। निंजा असैसिन नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म है जो 2009 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 1 घंटा 39 मिनट और IMDb पर इसको 6.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जेम्स मैकटीग ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है रेन रिक्वेन और नाओमी हैरिस। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है 6,16,01,280 डॉलर। इस फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा है। टैटू बनाने वाला बूढ़ा उसे बताता है कि टैटू त्वचा की प्रकृति को दर्शाता है। ये 5 विशाल लक्षण दिखाता है जैसे कोई योद्धा कलाकार या किसान आदि। अगर टैटू बनाते वक्त सुई आपकी त्वचा में चली जाती है और आपको दर्द महसूस होता है या कठिनाई, तो उसका मतलब ये है कि जो रास्ता आपने चुना है वह आपको शोभा नहीं देगा। हो सकता है कि यह आपके लिए अच्छा ना हो। वह बूढ़े से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, आपने मेरा अपमान किया है, ये कहकर तुम मेरा अपमान करते हो। और इसी बीच एक लड़का आता है और कहता है कि बॉस तुम्हारे लिए चिट्ठी है। जब वह उसे खोलता है तो उस पत्र से काली रेत निकलती है। बूढ़ा कहता है, बहुत साल पहले मैंने एक आदमी को इस तरह लिफाफा खोलते देखा था, वे भी ऐसे हंसे थे जैसे तुम हंस रहे हो। वे छाया से बाहर आता है और उनकी हंसी खून में डूब गई। वे पूछते हैं कि सैंड से क्या बाहर आया था। बूढ़ा कहता है, मैं वह शब्द नहीं बोल सकता और उस रात उनका ब्लड मेरे सीने में लगा था, अब मेरा दिल दाहिनी ओर है। और जब वे उस निशान को देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो निंजा जैसा दिख रहा है। क्या आप यह कहते हुए नर्वस महसूस कर रहे थे निंजा? वे उसका मजाक उड़ाते हैं और अचानक उनमें से एक का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। वे सब चिंतित हो जाते हैं और वे अपनी बंदूकें तैयार करते हैं सतर्क रहने के लिए। वे इधर उधर घूमते हैं ताकि उसको मार सके जो उन्हें मार रहा है। और इसी बीच वहाँ एक तार आता है जो एक आदमी के पैर को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। और जब अगले ही वो उस तार से वो बंदा नीचे गिरता है और कई टुकड़ों में बट जाता है और ये देख सभी आक्रामक हो जाते हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्नूकर क्लब के पास खड़े शख्स का शरीर भी 2 टुकड़ों में बट जाता है क्योंकि मारने वाले के पास धारदार हथियार थे। कुछ निंजा ब्लेड एक आदमी के पास आते हैं जो फायरिंग कर रहा था और ये निंजा ब्लेड एक एक करके उसके सभी साथियों को मार देता है जिससे हर तरफ खून बहने लगता है और ये सब कई हिस्सों में बट जाता है। लेकिन उनमें से एक बच जाता है। वह कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें 3 गुना धन दूंगा कि तुम यह सब किसके लिए कर रहे हो। बूढ़ा कहता है कि यह बेकार है, वह इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। अब वो निंजा आता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करते हुए बूढ़े आदमी को भी मार देता है। वह लास्ट में उस आखिरी बंदे को भी मार देता है और असल में वह भी एक निंजा था। इसके बाद हमें एक मुख्यालय का दृश्य दिखाई देता है। वहाँ एक मामले की चर्चा हो रही थी। मीका नाम का एक फोरेंसिक शोधकर्ता फाइलों का ढेर लेकर आती है। वो सबूत थे, वो एजेंट और मीका केस के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का कहता है कि मुझे कुछ मिला है, ये एक रिपोर्ट है। मेरा एक दोस्त दूसरे देश में है और मुझे पता है कि उसके पास बहुत ज्ञान है, उसने ही मुझे इस रिपोर्ट के बारे में बताया है। उसके अनुसार यह संभावना है कि एक पुराने नेटवर्क द्वारा कई राजनीतिक हत्याएं की गई, हो सकता है कि उनके पीछे नोक्रेन का हाथ हो। अब महिला मीका उस क्लाइंट से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त जो दूसरे देश में था उसे क्या हुआ। क्लाइंट कहता है कि मेरे साथ भी वही होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहा, मुझे पागल कहा जाएगा और मार दिया जाएगा। लड़की पूछती है कि आपको यकीन है? वह कहता है हाँ, उन्हें निंजा कहा जाता है। वह कहती है फिर तुम यह सब क्यों कह रहे हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे शोधकर्ता हो, आप सफल होंगे। अब हम देखते हैं कि कहीं पर एक बूढ़ा बहुत से लड़कों से कह रहा था कि अब तुम्हें जाना चाहिए ये जानने के लिए कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आपको क्या करना है। मैं आपको बता देता हूं, आप ओजुनु हो और यही आपके जीवन की सच्चाई है, ये मृत्यु के बाद भी सत्य रहेगा। वह अपने नए बेटे को सभी से मिलवाता है और कहता है कि मैंने उसका नाम राइजो रखा है, अब वह तुम्हारा भाई है। राइजो के प्रशिक्षण के दौरान उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप कभी भी कुछ भी झेल नहीं पाएंगे और मजबूत नहीं हो सकोगे, इसलिए अपनी कमजोरी को दूर करें। इस प्रशिक्षण में उसे चुपचाप एक मंजिल से गुजरना पड़ता है, अगर थोड़ा भी शोर होगा तो यह प्रशिक्षण बेकार हो जाएगा।
लेकिन इस छोटे लड़के मतलब कि राइजो चुपचाप फर्श से नहीं गुजर सकता। यहाँ वो शोर करता है तो उसके मास्टर दंड के रूप में उसके पैरों पर छड़ी मारते हैं। वह एक बहादुर बच्चा था, उस समय उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। इस बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने हथियारों के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। यहाँ वह अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। दो लड़के लड़ रहे थे क्योंकि निंजा की ट्रेनिंग चल रही थी। जब लड़का गिर गया तो उसका मास्टर उसके पेट में हाथ डालता है और उसका खून निकाल देता है। इससे वह बच्चा घायल हो जाता है और उसका मास्टर लड़के से कहता है कि यह असली दर्द है, दर्द को सहना सीखो, आपको हारना नहीं चाहिए। और वह उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर देता है ताकि उसे पता चले कि दर्द क्या है, और उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। अब राइजो बचपन में पहले से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, यह उनका अतीत बताया जा रहा है। फिर वह धारदार हथियार से एक लड़के से लड़ने लगता है, उसके साथ एक तेज तार भी लटका हुआ था। लेकिन इस लड़ाई की अलग बात यह थी कि बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर लड़ रहे थे, और अंत में राइजो अपनी तार उस लड़के के पैरों में फंसा कर उसको दूर तक फेंक देता है और राइजो इस राउंड को जीत जाता है। अगले सीन में वे खाने की मेज पर बैठे थे। बूढ़ा लड़कों से कहता है कि हमारे शरीर को वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, जैसे भूख या प्यास, यहाँ तक कि हमारी रगों का खून भी हमारे शरीर की कमजोरी है, इसीलिए आपको इससे उबरना होगा। आपको यह सीखना चाहिए कि यह कैसे करना है, अपने नियंत्रण में रखें। यही यह ओजुनू की वास्तविक शक्ति और एक निंजा का मार्ग है। वह कहता है कि रात को खाना खा लो और कल तुम्हें दोहरा काम करना है। दरअसल ये छोटा बच्चा वही राइजो नाम का लड़का है और उसे यह सब याद आ रहा है। अगले सीन में रिसर्चर लेडी मीका उस आदमी की पत्नी के पास जाती है, इसका मतलब उस एजेंट के घर। मीका पूछती है कि क्या हुआ था। वह उसे 2 साल पहले की बात बताती है कि एक हत्या के बाद इस रिपोर्ट ने अटेंशन दी और उसके बाद सब कुछ बहुत अलग था। मेरे पति ने लोगों को काम पर रखा था, उसने सारे ताले बदल दिए, यहाँ तक कि हर जगह ताले लगे थे, कैमरे भी लगवाए गए थे। फिर एक दिन एक आदमी दरवाजे पर आया और उन दोनों ने मेरे पति के स्टडी रूम में कुछ देर बातें की और फिर युवक चला गया। और मेरे पति एक सैनिक थे, वो रूसी खुफिया विभाग का सदस्य भी था, वह किसी से नहीं डरता था। लेकिन जब मैं दरवाजे पर गई तो मैंने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन वह साहस के साथ खड़ा हुआ और उसने मुझे हिम्मत दी और कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसने कहा कि मुझे यह बात हमेशा याद रखना चाहिए। फिर मीका पूछती है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह उसे बताती है कि लाइट बंद थी और आप पहली शोधकर्ता हैं जिन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा, और आपने उनके मामले को गंभीरता से लिया है। ये जानना बेहतर होगा कि वह बिना किसी वजह के नहीं मरा। मीका कहती है कि इसका मतलब वास्तव में उनकी मौत के पीछे कोई वजह थी। फिर वह उसे एक डिब्बा देती है और वह कहती है कि वो चाहते थे कि आप इसे देखिए। जैसे ही मीका ने बॉक्स खोला वहाँ कुछ फुटेज थी। जब वह फुटेज को प्ले करती है तो उसमें वही लड़का था जिसका नाम राइजो है। राइजो को यह सब याद आता है कि कैसे उस बूढ़े ने उसे प्रशिक्षित किया। अगले सीन में मीका उसी एजेंट के बारे में सर्च कर रही थी जिसकी वाइफ से वो मिली थी। तभी उसका कलीग आता है और पूछता है कि आपने एजेंट के साथ बहुत काम किया है और तुमने उसके साथ लंच भी किया था। वह कहती है कि तुम यह सब कैसे जानती हो। हाँ, हम अक्सर साथ में लंच करते हैं, यह आमतौर पर तब होता है जब हम एक साथ काम कर रहे होते हैं। उसके सहयोगी ने मीका से पूछा कि क्या उसने आपके साथ कोई अलग व्यवहार किया है और आपको अच्छा नहीं लगा। तो मीका कहती है कि नहीं, लेकिन क्यों, क्या मास्टर ने कुछ किया है। उसके सहयोगी का कहना है कि मैं सामान्य रूप से पूछ रहा हूँ क्योंकि उस पर काम का बोझ ज़्यादा है। अगले सीन में मीका की मुलाकात मास्टर से होती है। वह उसे सभी स्थितियों के बारे में बताती है कि कैसे उसका कलीग आया और उसने मास्लो के बारे में पूछा। मास्लो कहता है कि हमें सावधान रहना होगा और तुम मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करोगे। वहां से जाकर मीका अनाथालय के बारे में पढ़ती है जहां पर 10 साल के लड़कों को निंजा ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक लड़की से बात कर रहा है, उसका नाम किरिको था। बूढ़ा उसे ब्लेड देता है और काटने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। बूढ़ा उसके चेहरे पर ब्लेड मारता है और कहता है कि आप नियम जानते थे। राइजो किरिको के पास आता है क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता है।
रात में बारिश हो रही थी और किरिको दौड़ रही थी और राइजो भी उसके पीछे दौड़ता है। वह उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बूढ़ा तुम्हारा दिल निकाल देगा। किरिको कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि नहीं, यही मेरी जिंदगी है, और यह कहकर वह चली जाती है। कुछ समय बाद हमें राइजो दिखाया जाता है जिसके हाथ में मीका की तस्वीर दिखाई देती है। फिर हम एजेंट को देखते हैं जो मीका से मिलता है। एजेंट मीका से कहता है कि तुम अपना बैग पैक करो और छुट्टी पर चली जाओ। इसके साथ ही वह उसे एक बंदूक भी देता है और कहता है यह अनट्रेसेबल है और इसका कोई सीरियल नंबर नहीं है, सुरक्षित रखना। अब मीका अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ कुछ निंजा उस पर हमला करते हैं। राइजो उसे बचाने के लिए आता है और वह उसे कहता है कि वे सब तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे एक कार में जा रहे हैं। मीका उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। राइजो कहता है कि मुझे पता है कि वे हमारा पीछा कर रहे हैं। मीका कहती है कि मैं उन्हें नहीं देख सकती। राइजो कहता है कि वे हमारे गंध से हमें खोज लेंगे। वह राइजो से कहती है ओह। अब मीका उसे पूछती है लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया। यह राइजो के कुछ फ्लैशबैक आते हैं और उसे सब कुछ याद आता है जब बूढ़े ने उन्हें एक आदमी के बारे में बताया जिसने सोने की घड़ी पहनी हुई थी। तो राइजो ने उसे मार डाला और वह सोने की घड़ी बूढ़े आदमी को दे दी। तो बूढ़ा कहता है वाह, तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही मेरे असली बेटे हो। इसके बाद वह उसे किरिको को मारने का आदेश देता है क्योंकि उसने अनाथालय से भागने की कोशिश की थी। बूढ़ा कहता है यही नियम है, जो कोई अनाथालय से भागेगा उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति धोखेबाज है। लेकिन यह सही नहीं लग रहा था, इसीलिए राइजो लड़की की जगह उस बूढ़े को मार देता है। इसलिए बाकी सब उस पर हमला कर देते हैं और राइजो भवन से पानी में गिर जाता है। राइजो यह बात मीका को बताता है और मीका पूछती है कि क्या आप मदद मांग रहे हैं। वह कहता है कि नहीं, मुझे ओजुनू को खोजने में आपकी मदद चाहिए। राइजो उसे अपनी पोशाक बदलने के लिए कहता है और वह उस पर अपनी खुशबू वाला सेंट लगा देता है। मीका एजेंट को फोन पर सारी बात बताती है। वह कहती है मुझे उस पर भरोसा है। अब जिस एजेंट से उसने बात की वह राइजो को उसके पास लाती है, लेकिन एजेंट ने उसे पकड़वा लिया और मीका एजेंट को समझाने की कोशिश करती है कि वह दुश्मन नहीं है। वह कहता है कि तुमने ही कहा था कि हमें उसे रोकना होगा। मीका उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं है और वह एजेंट कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई तो है जो इस डोर को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। मीका का कहना है कि वे लोग उसे मारना चाहते हैं, वह उनसे सालों से लड़ रहा है। वह कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब अगले सीन में मीका राइजो को पानी पिलाती है और कहती है कि मास्लो भी तुम्हारे साथ है, वह भी आपकी मदद करना चाहता है। फिर हम वहाँ निंजाओं के हमले को देखते हैं। वे वहाँ सैनिकों पर हमला करते हैं और किसी की गर्दन काटते हैं और दूसरों पर फायर करते हैं। वो अपनी तलवार से उनकी छाती पर वार करते हैं और इससे हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है। निंजा ने हमला इसलिए किया क्योंकि वे राइजो को मारना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका नियम था। वे हर उस व्यक्ति को मार डालते हैं जो उनकी बात नहीं मानता और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनका अपना साथी है। मीका ने झट से राइजो की हथकड़ी खोल दी और इसी बीच एक और हथियारा वहां आता है। अब क्योंकि राइजो को हथकड़ी से मुक्त किया गया था और उस हथियारे को दीवार पर फेंक देता है, इसके चलते वह हथियारा मारा गया। वे बाहर तो आ जाते हैं लेकिन रास्ते में कई हथियारे उन पर हमला कर देते हैं। राइजो मीका को यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये कहते हुए कि मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा, आप जा सकते हैं। सभी से बचकर मीका कार की तरफ भाग रही थी और यहाँ एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई दिखाई जाती है। यहाँ राइजो को निंजा से लड़ते हुए दिखाया गया है। वो अपने हथियारों का अच्छी तरह से उपयोग करते हुए वह एक एक करके सभी हथियारों को मार डालता है क्योंकि राइजो एक अच्छा हथियारा था। और फिर एक निंजा राइजो को मारने ही वाला था लेकिन मीका उस निंजा को कार से टक्कर मारते हुए राइजो को बचा लेती है। अब राइजो को बेहोश दिखाया जाता है। मीका उससे कहती है कि मुझे पता है ये कहना बेकार है क्योंकि आप अपने होश में नहीं हैं, मैं सिर्फ एक फोरेंसिक शोध करता हूँ। यह कहने का एक अच्छा तरीका है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, मैं तुम्हारे कुछ हेल्प नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैकिंग करते हुए अधिकारी उसे पकड़ने आते हैं।
वहाँ मीका उनको बताती है कि वे उसे 10 मिनट पहले ले गए। वीरेंद्र राइजो को पकड़कर वापस बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। अब बूढ़ा उसे मारने के लिए बांध देता है। वो कहता है कि आज हर कोई देखेगा और उनकी मौत के समय को वर्षों तक याद रखेगा, क्योंकि बूढ़े यानी उसके मास्टर ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे बुरी तरह सजा देगा। राइजो के मास्टर ने राइजो के पेट में अपनी उंगलियां घुसा दी और उंगलियों को बुरी तरह अंदर घुमाने लगा ताकि राइजो को दर्द हो, लेकिन राइजो इतना बहादुर था कि वह दर्द सहन करता है। और एजेंसी के लोग भी वहां आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे सभी इधर उधर भागने लगते हैं और इधर मीका राइजो की रस्सी खोल देती है और उसे आज़ाद कर देती है। वह एजेंसी के लोगों से लड़ रही थी, लेकिन राइजो अपनी ट्रेनिंग यूनिट में चला जाता है और वहां वह हमेशा अपनी ट्रेनिंग करते हैं। और इस बीच अन्य निंजा वहां आते हैं और सब वे निंजा थे जिन्होंने बचपन में उनके साथ अपना प्रशिक्षण किया था, और वे लड़ने लगते हैं। राइजो अकेला था, लेकिन उसके आसपास बहुत से निंजा थे और वे लगातार उस पर हमला कर रहे थे। उनके हमले से बचने के दौरान राइजो हवा में उड़ जाता है, फिर नीचे आकर वह उन्हें एक एक करके मार डालता है। फिर वह सीनियर निंजा के पास आता है, वह अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए उसकी उंगलियां काट देता है। जब वह दूसरे हाथ से हथियार उठाने ही वाला था कि राइजो फिर से उसके हाथ पर वार कर देता है और फिर राइजो ने उसकी गर्दन काट दी। अब आखिरी में राइजो की अपने मालिक से लड़ाई होती है, यानी बूढ़े मास्टर से। यह उस स्थान पर होता है जहां उसने चुपचाप चलने का प्रशिक्षण लिया था, क्योंकि राइजो एक छात्र था और बूढ़ा उसका मास्टर था, इसलिए राइजो अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता। मास्टर उसे बार बार मारता है, लेकिन राइजो उसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तभी राइजो साहस के साथ अपने मास्टर पर हमला कर देता है और उसे तेजी से आगे बढ़ता है ताकि मास्टर उसे रोक ना सके, और ऐसा ही होता है। इसी बीच एजेंसी के कुछ लोग उसे बचाने वहां पहुंच जाते हैं। राइजो बूढ़े आदमी से लड़ रहा था और मीका उसे बचाने के लिए आती है। बूढ़ा मीका को भी मार देता है और अंत में वह अपने मास्टर के कंधे पर गोली मारता है और उसे बुरी तरह मार देता है। लेकिन गनीमत यह रही कि मीका अभी तक जीवित थी। अंतिम सीन में राइजो उस वक्त को याद करता है कि जब किरिको उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, और इसी फ्लैशबैक के साथ फिल्म यही खत्म होती है।